मयंक चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ कैडर के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले मयंक चतुर्वेदी ने इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय तक जॉब भी की, लेकिन प्रशासनिक सेवा में आने की चाहत के चलते वे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने लगे। इसके बाद एग्जाम पास कर वे आईएएस अधिकारी बने। वर्तमान में मयंक चतुर्वेदी दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर हैं। कलेक्टर के तौर पर ये उनका पहला जिला है। मयंक चतुर्वेदी संयुक्त परिवार से आते हैं। उनके पिता का चार भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से एक ही साथ रहता है। मयंक का जन्म 28 जनवरी 1991 को हुआ था। उनकी स्कूलिंग कानपुर से हुई है, फिर उन्होंने प्रयागराज से इंजीनियरिंग कर बीटेक की डिग्री ली। मयंक खेल कूद में भी शुरू से ही काफी एक्टिव थे। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट में उन्होंने कॉलेज के लेवल पर भी प्रतिनिधित्व किया है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। मयंक चतुर्वेदी ने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था। जॉब करने के साथ ही वे यूपीएससी एग्जाम की तैयारियों में भी जुटे रहे, लेकिन चयन नहीं होने के चलते उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इसके बाद पूरी तरह से यूपीएससी एग्जाम की तैयारियों में जुट गए। साल 2016 में यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर वे आईएएस के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद मयंक चतुर्वेदी ने 28 अगस्त 2017 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी से ट्रेनिंग खत्म करने के दौरान उनकी फील्ड ट्रेनिंग के लिए पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के तौर पर रायगढ़ जिले में हुई। इसके बाद वे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एसडीएम पेंड्रा रोड अनुविभाग भी रहे। यहां वे अपर कलेक्टर भी रहे। इसके बाद मयंक चतुर्वेदी धमतरी जिला पंचायत सीईओ भी रहे। धमतरी के बाद राजधानी रायपुर के नगर निगम आयुक्त रहे। रायपुर के बाद वर्तमान में वे दंतेवाड़ा कलेक्टर हैं। मयंक चतुर्वेदी ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली 10 साल पुरानी दोस्त से शादी की है। मयंक की जीवन संगिनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करने के बाद कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करती हैं। मयंक को गजल लिखने और सुनने का भी शौक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।